8.5 दैट इज़ पार्ट्स ऑफ सेल तो इस वीडियो में हम बच्चों क्या देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में तो पहला दे रखा है सेल मेंब्रेन तो हमें किसके बारे में पढ़ना अभी सेल मेंब्रेन के बारे में स्टडी करनी है द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल आर सेल मेंब्रेन बेसिक कॉम्पोनेंट क्या है पहला सेल मेम्ब्रेन आपका बेसिक कॉम्पोनेंट है सेकेंड क्या रहा है साइटोप्लाजम एंड द थर्ड इज़ न्यूक्लियस तो ये तीनों चीज़ें क्या है ये बेसिक कॉम्पोनेंट है आपके सेल के ये फिगर दे रखा है एट पॉइंट सेवन में आपको पहले फिगर दिखा देती हूँ ये देखिए ये फिगर है ये आपका है एनिमल सेल है ये है प्लांट सेल पहले हम स्टडी करते हैं एनिमल सेल के बारे में एनिमल सेल का आउटर लेयर क्या है बच्चों सेल मेमब्रेन ये देख रहे हैं आप आउटर लेयर ये क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन आपका आउटर लेयर है उसके बाद है वैक्यूल वैक्यूल क्या होता है स्मॉल इन साइज होता है एनिमल सेल में और ये पेरी में प्रेजेंट होता है इट मीन्स ये सेंट्रली लोकेटेड नहीं है आपको जो वैक्यूल है ये साइड्स में प्रेजेंट है थर्ड वन इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है सेंट्रली लोकेटेड है एनिमल सेल में एंड द लास्ट वन इज साइटोप्लाजम साइटोप्लाज्म क्या है ये जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है ये क्या देख रहा है आपको साइटोप्लाजम तो हमने पढ़ लिया अभी एनिमल सेल के बारे में देख लिया है अब हम देखेंगे प्लांट सेल के बारे में प्लांट सेल में देखिए ये न्यूक्लियस कहाँ है प्लांट सेल में पेरीफेरी में है ये सेंट्रली लोकेटेड नहीं है तो प्लांट सेल में सेंट्रली लोकेटेड क्या है वैक्यूल ये देखिए मोस्ट ऑफ द एरिया वैक्यूल ने लिया हुआ है और क्या है ये सेल मेम्ब्रेन लेकिन जब आप इसको ठीक से देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन इनर की तरफ है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है सेल वॉल है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट सेल में आउटर लेयर क्या है तो आप क्या बोलोगे सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल का आउटर लेयर क्या है आप क्या बताएंगे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ओके बच्चों तो ये तो आपको समझ में आ गया और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया एबसेंट है तो ये समझ में आ गया दोबारा से चलते हैं हम उसी पेज पे द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर इंक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन तो अभी हमने देखा है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह सब किसके अंदर इंक्लोज है सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज है एंड ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं द मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द एनादर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है जितने भी अंदर सेल्स के अंदर ऑर्गेनस से उससे सेपरेशन में हेल्प कर रहा है और किस चीज़ में हेल्प कर रहा है सराउंडिंग द मीडियम से उसको सेपरेट कर रहा है किसको सेल को द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है पोरस होते हैं एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द सबस्टांसिस और अ मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड तो ये पोरस होने के कारण क्या करता है ये मटेरियल्स को बोथ या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड ट्रांसफ़र करते हैं ओके okay? तो ये समझ में आ गया नेक्स्ट इज एक्टिविटी एट पॉइंट थ्री इस एक्टिविटी में क्या करने के लिए कह रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल टेक एन अनियन बल्ब अगर आपको बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ सेल को देखना है तो आप क्या लीजिए अनियन बल्ब ले लीजिए रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग जो ड्राई पिंक कवरिंग होती है दैट इज पिल उसको आप निकाल दीजिए पिल्स को निकालने के बाद क्या कह रहा है यू कैन इजिली सेपरेट देम फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोर सेप्स और इवन विथ योर हैंड और क्या कह रहा है जो उसमें वाइट फ्लैशी लेयर है बल्ब का उसको आप सेपरेट करिए या तो फोर सेप्स सेपरेट करिए या तो अपने हैंड से सेपरेट कर लीजिए यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट अ थिन लेयर आप क्या कर सकते हैं अनियन बल्ब को ब्रेक करके भी उस थिन लेयर को सेपरेट करके बहुत आराम से निकाल सकते हैं प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन अनियन पिल अनियन पिल का जो पीस है ना काफ़ी थिन लेना है और क्या होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए कहाँ पे प्लेस करना है इन ड्रॉप ऑफ वाटर में डालिए या फिर अ ग्लास स्लाइड डाल दीजिए और वाटर कितना होना चाहिए थोड़ा सा ड्रॉप आप पहले ग्लास स्लाइड में डालिए और थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर सो डैट वो स्ट्रेट रहे उसमें कोई रिंकल्स या ना आए इस चीज़ के लिए हम डालते हैं वाटर द थिन लेयर कैन बी कट इन टू द स्मॉलर पीस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और अ फोर सेप्स तो थिन लेयर को कैसे कर सकते हैं या तो ब्लेड से या तो फोर सेप्स से एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू और उसमें क्या ऐड करना है ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन टू द लेयर एंड प्लेस अ कवर स्लिप और उसके ऊपर क्या डालना है कवर स्लिप डालना है अब आप पूछोगे कवर स्लिप क्यों डालते हैं तो कवर स्लिप हम इसलिए डालते हैं so सोडाट जो भी आप ले रहे हो जो जो भी सेल्स के लिए ले रहे हो पिल्स ले रहे हो अनियन पिल ले रहे हो तो वो ड्राई नहीं होना चाहिए वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर डैट देर आर नो एयर बबल अंडर द कवर स्लिप और जब भी, भी आप कवर कर रहे हो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी बबल्स नहीं जाना चाहिए उसके अंदर अगर बबल्स चले जाएंगे तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो आपको सेल्स की जगह सिर्फ एयर बबल्स ही दिखेंगे ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप उसके बाद आप स्लाइड को ऑब्जर्व करिए कहाँ पे अंडर अ माइक्रोस्कोप ड्रॉ अलेबल यू में कंपेयरिट विथ अ फिगर एट पॉइंट फाइव उसके बाद आप ड्रॉ करिए और आप किस से कम्पेयर करिए फिगर एट पॉइंट फाइव से डैट इज़ अ सेल ऑब्जर्व इन एन अनियन पिल अनियन पिल को देखा तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं अब इसमें क्या क्या है द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज़ द सेल मेमब्रेन तो आउटर जो बाउंड्री है ये क्या हो गया बच्चा जो आउटर बाउंड्री है ये आपका सेल मेमब्रेन है कवर्ड बाई द एनादर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेलवॉल और इसके ऊपर क्या है सेलवाल क्योंकि अभी हमने देखा है फोटोज में पिक्स में क्या देखा है जो आउटर लेयर है वो क्या है प्लांट में सेल वॉल है द सेंट्रली डेंस राउंड बॉडी इन देंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस और जो सेंट्रली लोकेटेड है ये क्या है बच्चों न्यूक्लियस है द जेली लाइक सब्सटांसिस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्रीन इज कॉल्ड साइटोप्लाजम और इनके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है किस के बीच में न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जेली लाइक सब्सटांसेस है वो क्या है साइटोप्लाज्म। तो इतना आपको समझ में आ गया फिगर भी समझ में आ गया ऐसा दिखता है अब बूझों का डाउट है आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड अ सेल वॉल ठीक है ये तो हमें समझ में आ रहा है जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन क्यों उसका एडवांटेज क्या है यू हैव लर्न अर्लियर अ सेल मेम्ब्रेन गिव्स द शेप टू द सेल सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है सो so डैट की वो सेल को शेप दे सके इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देर इज एन आउटर थिक लेयर इन अ सेल ऑफ प्लांट कॉल सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर एक थिक लेयर प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों सेल वॉल कहते हैं जो हम फिगर अभी देख चुके हैं this additional layer surrounding the cell membrane required by the plants for protection तो ये cell membrane क्यों चाहिए क्योंकि plant को protection चाहिए अब protection किस sense में चाहिए किन किन चीज़ों से protection चाहिए plant cell need the protection against the variation in temperature temperature varies हो रहा है काफ़ी उसके लिए protection चाहिए high wind के लिए चाहिए speed के लिए चाहिए एटमोस्फेरिक मॉइस्चर के लिए चाहिए और और भी चीज़ें अब आप बोलोगे कि सिर्फ प्लांट को ही इतनी सारी चीज़ें प्रोटेक्शन क्यों चाहिए ह्यूमंस को क्यों नहीं बिकॉज दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे के नॉट मूव वो क्या होते हैं एक जगह से दूसरे जगह अपने शेल्टर के लिए ट्रैवल या ट्रांसफ़र नहीं हो सकते इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए द सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पिल ऑफ ट्रेडस्कैंशिया एलोडिया और रियो के आप ये भी एग्जाम्पल है आप इनको भी देख सकते हो एक अगर एग्जाम्पल लेना आप इनके भी लीव्स को बहुत अच्छे से देख सकते हो यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ़ अनियन पिल आप स्लाइड किसका तैयार कर सकते हो अनियन का तो काफ़ी ईजिली आप स्लाइड तैयार कर सकते हो पहेली आज द बूझो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द एनिमल सेल अब प्लांट सेल तो समझ में आ गया हमने अनियन पिल ले लिया और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया क्या हम एनिमल सेल को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप उसके लिए एक्टिविटी दे रखिए एट पॉइंट फोर टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैस्टिक विद अ टिप ब्रोकन टिप कैसा होना चाहिए शार्प नहीं होना चाहिए ब्रोकन होना चाहिए स्क्रैप इन साइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट आप अपने चीक के अंदर स्क्रैप करिए इतना करना है कि चोट ना पहुँचे प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड ग्लास स्लाइड पर थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर ले लीजिए उस पर आप जो स्क्रैप निकाला है वो डाल दीजिए एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट आयोडीन डालने के बाद कवर स्लिप आप डालना नहीं भूलना है वो भी डालना है ऑल्टरनेटली एड वन और टू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन और क्या डालना है बच्चों मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन भी डालना है आफ्टर आयोडीन सोल्यूशन ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करिए यू मे नोटिस द सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप मटेरियल जो आपको फिगर एट पॉइंट सिक्स नेक्स्ट पेज पर दिखेगा यू कैन आइडेंटिफाई क्या आप आइडेंटिफाई करोगे सेल मेंब्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हो साइटोप्लाजम को और न्यूक्लियस को काफ़ी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल तो एनिमल सेल में क्या होता है सेल वॉल एबसेंट है जो कि हम पहले पड़ चुके हैं फिगर दिखा देती हूँ आपको यहाँ देखिए यहाँ आपको फिगर दे रखा है ह्यूमन चीक सेल्स ये क्या हो गया सेल मेमब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे आउटर एयर उसके बाद न्यूक्लियस का आउटर लेयर क्या हो गया बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो डॉटर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या हो गया साइटोप्लाज्म और सेंट्रली लोकेटेड क्या हो गया बच्चों न्यूक्लियस तो ह्यूमन चीक सेल्स आपको ऐसा दिखता है तो आपने दोनों देख लिए प्लांट सेल भी देख लिया और एनिमल सेल भी देख लिया नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म इट इज अ जेली लाइक सबस्टांसिस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस ये देख रहे हैं साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन मींस आउटर लेयर और न्यूक्लियस उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म वेरियस अदर कॉम्पोनेंट और द ऑर्गेनस ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और ये जो डॉटर लाइक स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म इसमें क्या प्रेजेंट होता है वेरियस ऑर्गेनस ये ऑर्गेनस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें भी कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों साइटोप्लाज्म में दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज राइबोजोम्स एंड एक्सेट्रा यू विल लर्न अबाउट दैम इन लेटर क्लासेज आप इसे बाद में देखेंगे तो बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में